आप मेरी स्क्रीन पे, जिसमें आप देख सकते हो यार 300 प्लस मेरे अभी फॉलोअर्स रिक्वेस्ट है जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं किए, बट वो भी मैं कर दूंगा। सो हेलो गाइज, मैं नाम है शिवांकर, आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक, और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ इंस्टाग्राम के बारे में। जैसे कि यार आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम से रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं कि यार कैसे फॉलोवर्स इंक्रीज करें, और काफ़ी लोग बहुत जेन्युइन वीडियो भी डाल रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो डाली थी रिसेंटली इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स कैसे बढ़ाए, जो एक जेन्युइन मेथड होता है उसके थ्रू। लेकिन यार आजकल कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको फॉलोवर्स प्रोवाइड कर रही है 20-21 रुपये में, आपको 100 से 150 फॉलोवर्स देंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो जेन्युइन फॉलोवर्स नहीं होते, वो सारे के सारे होते हैं बॉट, जो आपके यार कोई इंगेजमेंट नहीं देते, कुछ चीज़ भी नहीं मिलने वाले आपको। तो उनसे कैसे बचे और आपको किस तरीके से फॉलोवर्स इंक्रीज करने हैं, अगर आपके सपोज फॉलोवर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और आपके पास पैसे हैं यार, आप मतलब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो थोड़े बहुत पैसे 100-200 रुपए में, अगर आप चाहते हो कि अरे जब मैं 100 रुपए दे के वहाँ से मैं 500-600 फॉलोवर्स बाय कर रहा हूँ, उतना 100-200 रुपए देख के दूसरी जगहों से क्यों ना आपको एक जेन्युइन फॉलोवर्स मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको देखना इस वीडियो को, ताकि मैं आपको हर एक चीज़ समझा सकूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है ताकि आपको फॉलोवर्स मिल जाए, वो भी जेन्युइन, जो आपके पोस्ट पर इंगेजमेंट प्रॉपर प्रोवाइड कराए। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार मैं अगर आपको बता दूं सबसे पहले बात, अगर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ आप मेरी स्क्रीन पे, जिसमें आप देख सकते हो यार 300 प्लस मेरे अभी फॉलोवर्स रिक्वेस्ट है जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं किए, बट वो भी मैं कर दूंगा, ये भी मेरी सुबह से आ रखी हैं। तो यार इतनी रिक्वेस्ट आपको भी बहुत ईजिली मिल जाएंगी, कैसे मिलेंगी ये आपको देखना है इस वीडियो में, ताकि मैं आपको जो वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूँ, तरीके बताने वाला हूँ, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा, या अगर आप थोड़ा सा अच्छा काम कर लेते हो तो कुछ टाइम बाद आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा बल्कि आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। कैसे होगी उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक इंस्टाग्राम का पेज बनाना है, जैसे भी आप क्रिएट करना चाहो आप एक क्रिएट कर सकते हो, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपको कुछ 500 to 1000 फॉलोवर्स गेन करने हैं, तो 500 to 1000 फॉलोवर्स गेन करने के लिए मैंने वो ट्रिक भी बताई है, मेरी आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, आप अगर आपको लग रहा है यार कि आपको फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं, या अगर आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आपको फॉलो बैक नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे पेजेस ढूंढने हैं इंस्टाग्राम में, कुछ ऐसे पेजेस ढूंढने जो प्रमोशन कर दो यार, वो एक स्टोरी लगाने का 10-20 रुपए में आराम से कोई भी स्टोरी लगाते हैं, फॉलोवर्स उनको पकड़ना है जिनके फॉलोवर्स थोड़ा सा कम हो, जिनके पोस्ट में इंगेजमेंट कम से कम, अगर 10,000 फॉलोवर्स है तो कम से कम जिसके पोस्ट में 100 से 150 लाइक्स मिनिमम हो हर एक पोस्ट में, अगर आप उनको बोलोगे ना 20 रुपये में स्टोरी लगाने के लिए, बहुत आराम से लगा दें। बहुत सारे हैं यार जो आज के टाइम पे स्टोरी लगाने के लिए रेडी रहते हैं, 20-20, 30-30 रुपये में स्टोरी लग जाएगी, अगर आप एक स्टोरी लगवा देते हैं उस वेबसाइट उस पेज के अंदर, तो आपको वहाँ से काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, और आपको जो कंटेंट है वो वहाँ से और लोगों तक भी पहुंच जाएगा। जब आपके पास वहां से कुछ लोग आएंगे, सपोज़ हम मान लेते हैं एक आपने जगह में इन्वेस्ट किया 20 रुपये और वहां से आपको 100 लोग मिल गए, अगर इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग जो 20-20 रुपये में प्रमोशन करने के लिए तैयार रहते हैं, वो अगर आप जाते हो यार बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पेजेस को, जैसे कि जिसके 100K 150K या बहुत ज़्यादा है, अगर आप उन पेजेस से रिक्वेस्ट करोगे तो यार वो आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे, 1000 रुपीज़ 500 रुपीज़ चार्ज करेंगे, तो उनके लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप स्टार्टिंग करो बेस से, यानी कि कम पैसे में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा रिटर्न्स लेने की कोशिश करो। तो यार आप अगर 20 रुपये के लिए जाते हो तो आपको अच्छे खासे 100 से 150 फॉलोअर्स आराम से मिल जाएंगे, जिस पेज के 10,000 व्यूज़ है, 10,000 फॉलोअर्स है उनके लिए जाओ, या 8,000 7,000 जिनके 10,000 से कम है तो उनके लिए जाओ, वो आपको वहाँ से अच्छे खासे फॉलोअर्स मिल जाएंगे। तो जब आपके फॉलोअर्स 1000-1500 क्रॉस आते हैं, तो जो आपकी कैटेगरी के हैं, मतलब जिनके फॉलोअर्स 1500-2000 करीब करीब के और आपके भी सिमिलर है, उनके साथ बोलो यार कि हम आपके साथ स्टोरी वर्सेस स्टोरी करते हैं, यानी कि आप हमारी एक स्टोरी डालो हम आपकी एक स्टोरी डालते हैं, तो इस तरीके से आप करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और आपका जो पेज है वो बहुत जल्दी इंडेक्स होना स्टार्ट होएगा, और आपको वो ऑडियंस मिलेगी जो आपको जेन्युइनली चाहिए, मतलब आपको एक जेन्युइन ऑडियंस मिलेगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपको यही चीज़ पर ध्यान देना है कि मैं वो कंटेंट दूँ लोगों को जो लोगों को चाहिए, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ जो लोगों को चाहिए, उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखना है यार कि आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखो, जो चीज़ उनको चाहिए वो चीज़ आप प्रोवाइड करा रहे हो प्रॉपर टाइम पे, और उसके बाद जो आपको लाइक्स मिलेंगे फॉलोअर्स मिलेंगे वो आपको जो बॉट से लोगे ना आप 100 रुपये के आप
वो आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेस्ट मिलेगा। और इंगेजमेंट यार, इंस्टाग्राम में अगर आपको पॉपुलर होना है तो आपकी पोस्ट की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आपकी स्टोरीज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर रेगुलर स्टोरीज डालना स्टार्ट कर दो, अपने जो ऑडियंस है उन्हें इंगेज करना स्टार्ट कर दो। जब आप ऑडियंस को इंगेज करना स्टार्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपके जो पेज है वो और लोगों तक भी पहुँचने लग जाएंगे, उसके पोस्ट और लोगों तक भी पहुँचने जाएंगे। हैशटैग जरूर यूज़ करो और यही चीज़ करो यार, आपको बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है फालतू जगहों में। जैसे बोल रहे हैं कि यार 20-21 रुपये में आपको 100-150 फॉलोअर्स मिलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पैसा इन्वेस्ट करने, क्योंकि यार वहाँ जो आप इन्वेस्ट करोगे ना वो पैसा आपका कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको बॉट्स मिलेंगे, सिर्फ आपके नंबर से बढ़ेंगे, बाकी कुछ इंगेजमेंट नहीं मिलेगी। तो यार प्लीज़ वो चीज़ ना करो, क्योंकि मिलना कुछ नहीं है, नुकसान ही होना है। तो यार बस यही सब कुछ था इस वीडियो में, जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मैंने कर दिया शेयर। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दिए लाइक, कर दिए कमेंट, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।